हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज शबे बारात है, कल बड़ा दिन है और होली भी है, तो उस हिसाब से मैं बहुत बिज़ी रहने वाला हूँ और आप सभी लोग बिज़ी रहने वाले। लेकिन मेरा कोई भी दिन पूरा नहीं होता जब तक मैं आप लोगों से इंटरेक्ट ना करूँ, भले इस वीडियो के थ्रू ही से डायरेक्टली बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो तो आप ज़्यादा बोर नहीं करते हो। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। फेस्टिवल्स बहुत ही खुशी से, अमन शांति से, पीसफुल मनाओ। कोविड का टाइम, ज़रा थोड़ा ध्यान दो भाई लोग। खैर, अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी अपकमिंग मूवीज़ को जिसमें दम है, मतलब उनके कंटेंट में दम है। एक तरफ बॉलीवुड है जो मतलब एक से बढ़कर एक नल्ली मूवीज़ बनाता है, उनकी मूवीज़ में सिर्फ आपको बड़ा बजट देखने को मिलता है, बड़े स्टूडियोज़ देखने को मिलते हैं, बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी के नाम पर जीरो, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं, बकवास। लेकिन एक तरफ साउथ इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो मलयालम हो, कन्नडा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सब के सब इंडस्ट्री अपनी तरफ से अपनी कोशिश करते कि वो ऑडियंस को बेस्ट चीज़ें दे। और यही कोशिश का नतीजा है कि मैं आपको कुछ मूवीज़ के नाम बताता हूँ। ऐना ये एक कन्नडा मूवी है, कुरूप ये एक मलयालम मूवी है, मालिक ये एक मलयालम मूवी है, काला ये एक मलयालम मूवी है, और कर्णन ये एक तमिल मूवी है। ये कुछ मूवीज़ है जो आपको डेफिनेटली थिएटर हॉल तक खींचेगी और ये मूवीज़ हिट भी होगी। अगर हिट नहीं होगी तो आपकी जो मर्जी चाहे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। लाल जूते, टमाटर, ककड़ी, मूली जो है फेंक के मारो, इस वीडियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। खैर, बात करेंगे सबसे पहले एक कन्नड़ा मूवी की, जो कि अपनी तरह की पहली मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट है डार्क फैंटेसी। इस मूवी में हमें एक फीमेल सुपर हीरो का कैरेक्टर इतना मिलेगा जो आज से पहले हमने कन्नड़ा इंडस्ट्री में तो क्या पूरे इंडियन सिनेमा में नहीं देखा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा मैं इस मूवी की पूरी टीम को कि भाई हॉलीवुड के पास वंडर वुमेन और कैप्टन मार्वल है, तो अब फाइनली इंडिया के पास ऐना है। आई होप ये मूवी चले, क्योंकि टीज़र में काफ़ी दम लग रहा है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी लग रही है, और वो जो हॉरर एलिमेंट्स प्लस मिस्ट्री हमें इस टीज़र में फील हो रही है ना, अब देखते हैं कि मूवी में क्या सरप्राइज़ देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें हमें अच्छा VFX भी देखने को मिलेगा, क्योंकि टीज़र से तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसमें VFX भी अच्छी तरह से उन लोगों ने किया है, और शायद ये मूवी को सपोर्ट की ज़रूरत है लोगों की। और मैं आरआर एंटरटेनमेंट जब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता तो फिर उसको जब तक मंजिल तक ना पहुँचा दे अपन वहाँ से हिलते नहीं है, और इस मूवी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं बैकअप कर रहा हूँ, और आई होप ये मूवी अच्छी निकले ताकि जब मैं उसका रिव्यू करूँ तो आप लोगों को भी खुशी हो और मुझे भी खुशी हो मूवी देखकर। खैर, उसके अलावा जो दूसरी मूवी है वो है अपकमिंग मलयालम मूवी काला। इसमें हमें टोविनो थॉमस नज़र आते हैं। मूवी शायद रिलीज़ हो गई है लेकिन ये मूवी मुंबई में रिलीज़ नहीं हुई है। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ, और मैं ये मूवी देखना चाहता था। इसका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार ट्रेलर देखो। और जिस रोल में हमें टोविनो थॉमस यहाँ पर नज़र आते ना, वो रोल निभाना आसान नहीं है, और जिस एनर्जी से उन्होंने निभाया है भाई, ट्रेलर देखकर ही गूज़बम्स आ गए हैं। और इसमें जो BGM, जो सिनेमेटोग्राफी और जिस तरह का कंटेंट नज़र आ रहा है मूवी में, मैं अगर साउथ में रह रहा होता तो भाई ये मूवी मैं अभी तक के देख लिया होता। और इसी वजह से मैं मलयालम इंडस्ट्री और पर्सनली इस पूरी मूवी की टीम से मैं डिसअपॉइंट हुआ कि भाई तुम लोग अगर अच्छी मूवीज़ बनाते तो उसको अच्छी तरह से रिलीज़ तो करो ताकि लार्जर ऑडियंस देख सके। ये क्या बस खुद के लिए मूवीज़ बना रहे हो क्या? बस खुद बना के खुद ही देख लेते हो? अबे जो मुंबई में रहते जो हिंदी ऑडियंस है, जब उनको तुम्हारी मूवीज़ देखना है तो दिखाओ ना भाई, कुछ तो प्रोवाइड करो। बुक माय शो पे जाओ तो है ही नहीं, किसको बुक करे? क्या अभी साउथ आके देखे मूवीज़? कोविड के टाइम पे साउथ में आए? अरे यार, कम से कम OTT प्लेटफॉर्म पे तो डालो, जब तुम्हारे पास अच्छा कंटेंट है तो ऑडियंस तक पहुंचाओ तो हम लोग तारीफ तो करें। हद हो यार। और यही सेम चीज़ मलयालम इंडस्ट्री में द प्रिस्ट, जिसमें मम्मूट्टी सर नज़र आते हैं, वो मूवी भी रिलीज़ हुई मगर मुंबई में नहीं हुई। कमाल है यार, तो क्या करेंगे तुम लोग? मतलब कंटेंट बना रहे हो लेकिन ऑडियंस तक पहुंचाओ तो उस कंटेंट को। उसके अलावा और एक मूवी है कर्णन, ये एक तमिल मूवी है जिसमें हमें धनुष नज़र आने वाले। फिलहाल इसका टीज़र आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक टीज़र लगा है मुझे। यार मानना पड़ेगा धनुष को कि जो जो मूवीज़ बंदा करता है ना, वो मूवी हट के अलग होती है, और धनुष जो रोल निभाता है वो कोई नहीं निभा सकता। जिस तरह से एनर्जी से परफॉर्मेंस करता है, जो डायलॉग बोलता है, जो एक्सप्रेशन होते हैं, धनुष इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर ऑफ साउथ इंडस्ट्री, जो हमेशा आप उनसे अगर 100 एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो 500 देते हैं आपको। मतलब पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ भाई। मतलब कुछ भी गलत सोचोगे तुम लोगों, क्या है कुछ भी सोचते हो यार। तो कर्णन भी उन मूवीज़ में से आती है जो डेफिनेटली 2021 में हिट साबित होगी, हिट क्या ब्लॉकबस्टर साबित होगी, इतना तो मुझे धनुष पर भरोसा है। इसके अलावा कुरूप ये मलयालम मूवी है जिसमें हमें सलमान नज़र आने वाले। ट्रू इंसिडेंट पर ये बेस्ड है मूवी, और टीज़र काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और जो गेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा, और
इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही हटकर है, और देखते हैं कि ये मूवी किस हद तक लोगों को पसंद आती है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मूवी हिंदी में भी रिलीज़ होने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भाई। वरना झंडू पंचारी की तरह तुम लोग चूतिया पा करते हो, साले अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाते हो मगर उसको हिंदी में रिलीज़ नहीं करते। उसके अलावा एक और मलयालम मूवी है जिसमें फहद फासिल नज़र आने वाले, और फहद फासिल नाम ही काफ़ी है। मूवी मैं पहली फुर्सत में देखूँगा। इस मूवी का नाम है मालिक। मैंने इसका ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैंने ट्रेलर में नोटिस की है, जिसे एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी है, और डेफिनेटली ये हर इंडस्ट्री के लोगों को पसंद आएगी। मुझे लगता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लैंग्वेज में रिलीज़ होगी, ये हिंदी में रिलीज़ नहीं होगी। लेकिन फहद फासिल है तो मतलब कुछ ना कुछ है इस मूवी में। तो बस यार, ये कुछ मूवीज़ थी जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करूँ यार, जब तक मैं आप लोगों के सामने नहीं आऊँ मुझे वैसे लगता है नहीं कि मेरा दिन कम्प्लीट हुआ। तो जो 300, 400, 500 या 200 जो भी मेरी ऑडियंस है जो इस वीडियो को देखेगी, आई होप उनको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करो, नहीं अच्छा लगा तो भाई डिसलाइक कर दो, और ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ट्यूजडे। अब सीधा ट्यूजडे को वीडियो आएगी। ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का, अपने नेबर्स का। बाय।